मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। उस काम में लगा हूँ। एक सबसे बड़ा कारण है चीनी नहीं खाने का, कि ये चीनी बनती है चीनी मिलों में, शुगर मिल, और सारी भारत की शुगर मिल भारत के सबसे बेईमान और भ्रष्ट नेताओं की। भारत की राजनीति में जो सबसे ज्यादा बेईमान, हरामी और लालची नेता हैं, उन्हीं की चीनी मिलें हैं पूरे देश। आप अगर घूमो पूरे भारत में तो सबसे ज्यादा चीनी मिले महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा बेईमान और हरामी नेता उनके मालिक हैं चीनी मिल। फिर कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, सारे बेईमान नेताओं की राजनीति इन्हीं चीनी मिलों से चलती है। इसका मतलब है कि जब भी आप चीनी खरीदोगे तो उसका पैसा किसी न किसी बेईमान और भ्रष्ट नेता की जेब में ही जाएगा। इसका माने आप चीनी खरीदकर बेईमान और भ्रष्ट नेताओं की ताकत बढ़ा रहे, और फिर आप भ्रष्टाचार खत्म कैसे करोगे इस देश का? इसलिए ये चीनी खाना तुरंत बंद कर दो। फिर क्या खाओ? गुड़ खाओ। गुड़ बनाते हैं हमारे देश के गरीब किसान। अगर आप गुड़ खा रहे हो तो आपका पैसा किसी न किसी गरीब किसान के पास जा रहा है, और वो किसान की गरीबी दूर करने में काम आ रहा है। तो आप गुड़ खाओ ताकि पैसा गरीब किसानों के पास सीधा जाए। और गुड़ में फायदा क्या है? गुड़ में सबसे ज्यादा कैल्शियम है, जो हमारे शरीर को हड्डियां बनाने में काम आता है। कैल्शियम से हड्डियां बनती है, कैल्शियम से खून बनता है, कैल्शियम से ये मांस बनता है, कैल्शियम से ये पूरा शरीर बनता है। गुड़ में भगवान का दिया हुआ भरपूर कैल्शियम है। गुड़ में और एक दूसरा केमिकल है फॉस्फोरस। ये कैल्शियम फॉस्फोरस की मदद से हड्डियों को मजबूत बनाता है, और गुड़ में भरपूर फॉस्फोरस है। गुड़ में बहुत बड़ी मात्रा में मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, पोटेशियम है, सोडियम है। गुड़ हर तरीके से शरीर के लिए लाभकारी है। तो आप गुड़ खाओ, चीनी घर से हटाओ। चाय पीनी है तो गुड़ की पियो, दूध पीना है गुड़ से पियो, दही खाना है गुड़ का खाओ, हलवा बनाना है तो गुड़ का बनाओ, लड्डू बनाने हैं गुड़ के बनाओ, पेड़ा बनाना है, मिठाई बनानी है गुड़ की बनाओ। हर चीज गुड़ से बनती है।